भी है, किसी को चाहिए तो वो भी हम शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर पीरियोडिक टेबल जो हम लोग कहते थे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये जो चैप्टर था आपका, आज हम रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, पहले ही बोले आज हम रिवीजन ले रहे हैं। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये कम्प्लीटली आपको क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताता है? तो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, या जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए, चीजों को समझ रहे हैं बड़े आराम से। राहिल, राहिल आपका, आप म्यूट कीजिए, राहिल म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो इसमें है क्या कि बहुत सारे एलिमेंट्स आते गए और धीरे धीरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई। ठीक है, तो जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए, वो एलिमेंट्स को बेसिकली पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनके सबके प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट किसी के प्रॉपर्टी कुछ और है, किसी का प्रॉपर्टी कुछ और है, किसी का प्रॉपर्टी कुछ और है। तो उन बहुत सारे, चूंकि एलिमेंट्स उस समय तो कम थे, लेकिन उन साइंटिस्ट को भी संभावना थी कि भविष्य में आने वाले एलिमेंट जो होंगे वो काफी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने मिल करके ऐसा तरीका निकालने लगा जिससे कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसके अनुसार उसको अरेंज करने के बारे में सोचने लगे, ताकि उसका स्टडी कर पाना काफी आसान। बात समझ में आया? तो इसी के मद्देनजर रखते हुए, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे ऐसे ट्रेड या कई सारे ऐसे थ्योरी आए जिसने साइंटिस्ट ने दिया, जिससे वो अपने जो जो भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज को सिमिलर साबित करने में लगे रहें, चाहे वो दो चार एलिमेंट्स हो जाए, एक ग्रुप के हो जाएं, चाहे वो एक पीरियड के हो जाएं, चाहे वो ट्रेड में आ जाए, चाहे वो सारे गामा पाधा निशा ऐसे करके आ जाए। ठीक है, इस तरीके से कर वो बांटना चाहें किसी भी तरीके से ट्रेड में, ठीक है, या फिर एक ग्रुप में बांटना चाहें एलिमेंट्स को, जिससे उनका प्रॉपर्टी जो है क्या रहे, सिमिलर मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे तो ये इस बुक के अनुसार अभी कितना बता रहा है, 115 एलिमेंट्स, लेकिन यदि हम बात करें तो हमारे पास टोटल अभी कितने एलिमेंट्स आ गए हैं, 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस अपने को पढ़ना है, वो किसके बारे में पढ़ना है, डोवर्नियर ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट हम आते हैं जो जो मुख्य बात है उस पे आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है उस पे आते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पे आते हैं। ठीक है, कहता है कि जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग, अब इनके अनुसार डोवर्नियर ट्रेड के अनुसार क्या था, इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में, ठीक है, तीन एलिमेंट के ग्रुप में जो है वो क्या किए थे, सबको बांटे थे तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में। तो अब इसी को क्या कहा गया, ट्रेड कहा गया। क्या कहा गया इसी को? ट्रेड कहा गया, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि उसका जो तीन एलिमेंट्स है उसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। और द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, खास बात, जैसे कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री, समझ में आया, ये वन है, टू है, थ्री है, तो तीन एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। तो बोलता है इन दोनों का, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज निकालेंगे वो कितना आएगा, सेकेंड वाले का आएगा, ठीक है, सेकेंड वाले के बराबर आएगा। ठीक है, तो जैसे वन प्लस थ्री अपॉन टू कितना हो जाएगा, ये टू ही आएगा, तो ये किसके बराबर आ गया आपका, इस टू के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो इनका भी वही कहना था कि हम जो भी तीन एलिमेंट ट्रेड लेंगे उसका पहला और आखिरी वाला जो रहेगा, यानी कि थर्ड नंबर रहेगा, उसका एटॉमिक मास का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो सेकंड वाला यानी कि मिडिल वाला का आपका निकलता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स निकलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डोवर्नियर ट्रेड था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि ज्यादा क्लियर करते हैं उस एग्जाम्पल को, जैसे कि पहला पॉइंट है अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स, और हमारे नोट्स में, मतलब कि जो नोट्स आप बनाएंगे उसमें डोवर्नियर ट्रेड पे क्या करते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि नोट्स में आपको क्या लिखना है। इज दैट क्लियर? कौन कौन सा चीज आपको नोट्स में मेंशन करना है? तो डोवर्नियर ट्रेड, यदि अभी तक आप कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। डोवर्नियर ट्रेड में हम पिछले क्लास में डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताए हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इस बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अल्कली मेटल ग्रुप।
तो अल्कली मेटल ग्रुप भाई क्या है यहाँ पे, तो कहता है यदि हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें अल्कली मेटल, ठीक है, तो अल्कली मेटल ग्रुप में कौन कौन सा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अल्कली मेटल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड फॉर्म अ ट्रेड, समझ में आया, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, तो इनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, तो ये एक प्रकार से क्या कहलाएंगे बेटा, आपको ट्रेड कहलाएंगे, ठीक है, ट्रेड कहलाएंगे। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, खास बात ये है कि ये मेटल्स भी है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहें इसके बारे में, तो सारे जो है वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, अल्कलीज का फॉर्म करते हैं, अल्कली का मतलब हो गया बेस, बेस का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनके बारे में सिमिलर प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी सिमिलर हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई इनके बारे में सिमिलर, कि सारे के सारे जो है वो पहला वन वैलेंसी को शो करते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे अल्कली मेटल का जो टोबेनियर ट्रेड बनाया गया, वो क्या बनाया गया, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये 7, 39 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23 आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, 23 आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये क्या था आपका, सिमिलर प्रॉपर्टी था जो कि आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबको नजर आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, नजर आ रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज वाले में ये भी तीनों पॉइंट्स अपने को शामिल करना है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है, ये भी अपने को शामिल करना है नोट्स में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, और पहला वाला जो ऊपर है वो भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसके बारे में देखें तो क्या बोलता है, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना होता है 7, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना 39,
और अर्थमेटिक मीन इसका कितना निकलेगा आपका 23, और जो कि एग्जैक्ट है किसके बराबर, जो सोडियम है इसके बराबर एग्जैक्ट है। बात समझ में आया है। ये एक तरह से डोमिनियर ट्रेड था जो कि उस समय काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा था। ठीक, अब जैसे और आगे यदि हम जाना चाहें तो और भी आपके बुक्स में नोटबुक में हम एग्जाम्पल दिए हुए थे जो कि आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो और देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में तो ये लिथियम जो मेटल आपको नजर आ रहा है, ठीक, दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ये देखेंगे ये लिथियम जो मेटल है उसके बारे में, ये वाला जो लिथियम है, ठीक है, ये लिथियम जो है इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, ये देखेंगे ये ठीक है, ये लिथियम इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, उसके बाद यदि दूसरा हम एग्जांपल बताएं, आपके नोट्स में है, बताइए कौन सा एग्जांपल है, कोई बताएगा क्या सेकंड कौन सा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं? और भी बहुत सारे हम एग्जांपल दिए थे पिछले क्लास में, पहले क्लास में ट्रेड बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम। हाँ, उसका, उसके बाद फिर किसका जो था वो काम नहीं करता है, जैसे कि कौन कौन सा उसका ड्रॉबैक आ गया था वो भी बताए थे ना, ड्रॉबैक में क्या आ गया था? आयन, कोबाल्ट एंड निकेल और रूथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम। हाँ, तो ये सब जो थे उसके क्या थे, सब उसके ड्रॉबैक थे। बेसिकली ट्रेड यही था इसका कि तीन को अपने को क्या रखना है, तीन का प्रॉपर्टी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलता हो, और दोनों जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला का जो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और थर्ड का क्या कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, और एवरेज जो एटॉमिक मास रहेगा वो किससे मिलता जुलता रहेगा, सेकेंड वाले एलिमेंट से। लेकिन ये भी जो है बहुत दूर तक काम नहीं किया, ये भी जो है धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, और एक दो में तो सही आया, देन उसके बाद आपका एप्रोक्स आने लग गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या आने लग गया, एप्रोक्स आने लग गया, तो वो भी जो है वो इनके ड्रॉबैक में शामिल होता चला गया। दूसरा जो है हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको नजर आएगा, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा, अल्कलाइन हल्का, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं, ये अल्कली मेटल, ये किसका हो गया, ग्रुप वन का। ठीक है, ग्रुप वन में कौन कौन सा है, लिथियम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये है आपका, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस तरीके है। ठीक, ये है आपका, और ऊपर में यहाँ कौन सा रहता, हाइड्रोजन। ये सबका हम क्या लिखे, पीरियड लिखे, किस पीरियड में है। ठीक, ये हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट वाले में, देन उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके याद करने का तरीका भी हम बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल किसका होता है, ये हो गया अल्कली, ग्रुप वन को कहते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल्स, और ग्रुप टू को कहते हैं, आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि देखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, अल्कली अर्थ मेटल, तो कहता है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ ट्रेड, यानी कि उनके अनुसार, हालांकि अभी के अनुसार तो ये सब है, कौन कौन से ग्रुप टू में अल्कली मेटल्स में कौन कौन से हैं, ग्रुप टू में तो कौन कौन सा आएगा, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, ठीक है, ये आएगा। तो कौन कौन सा हो गया आपका, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इस प्रकार से ये आएंगे आपके ग्रुप टू में, जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, AEM, अब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, AF, दैट इज अल्कली मेटल।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा अल्कली मेटल्स और ये क्या हो जाएगा अल्कली अर्थ मेटल। इसके बारे में और भी कुछ कुछ हम जानकारी देंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या बोला कि अल्कली अर्थ ग्रुप जो है, अल्कली अर्थ मेटल का जो ग्रुप है, इसके बारे में यदि हम जाएंगे तो ये क्या है, इसमें क्या बोलता है कि ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल, सारा का सारा इसमें क्या रहेगा आपका, मेटल्स रहेगा, ठीक है, सारा का सारा। और ऑक्साइड ऑफ, जितने भी ऑक्साइड रहेंगे वो अल्कली नेचर के रहेंगे, और इसके वैलेंसी कितना होता है 2। अल्कली मेटल जो सारे थे उसके वैलेंसी कितना हो गया था आपका 1, और ये जो सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल इसका वैलेंसी क्या हो गया आपका 2 नजर आ रहा है। इसका भी यदि हम लोग जो ट्रेड साइंटिस्ट ने बनाया था वो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के लिए बनाया था, ठीक है, नोट्स में इसको भी शामिल करना है, इस पॉइंट को भी शामिल करना है। और एटॉमिक मासेस 40, 137, और डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपका 88.5 के समथिंग आता है, कितना आता है 88.5 के समथिंग में आता है, यस याद रखें 88.5 के समथिंग में आता है। तो ये सारा चीज जो था ना वो ये ट्रेड में आता था, और ये सबसे पुराना उस समय जो आपके उस इससे भी पहले प्रोस्ट का था हाइपोथेसिस, वो हम पढ़ाए थे आपको नॉर्मल क्लास में, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो केवल किससे चालू है, डोमिनेट ट्रेड से चालू किया हुआ है, ठीक है। अब आगे बताइए कौन सा है भाई, आगे यदि हम लोग जाएंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा ये कुछ ओवरलोड लग रहा है, PDF पूरा एक्सचेंज बुक का आपके तकरीबन 60 MB का है, चलिए लग रहा है कुछ तकलीफ हो रहा है, कल ठीक करते हैं, ठीक है। अगला कौन सा था, जल्दी बताएंगे, फटाफट करेंगे, अगला कौन सा क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। हाँ वो तो हो गया, वो मतलब ये हो गया डोमिनेट ट्रेड हो गया, बाकी अपने से देख लेना है, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेन, अच्छा इसका इसको याद करने का तरीका कैसे बताए थे, क्या बताए थे, लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, ठीक है, लीना LI और उसके बाद NA और के मतलब पोटासियम, ठीक है, लीना के कस्बा, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, यही था ना, इस तरीके से पूरा देखे बताए होंगे, तो ये पूरा इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, उसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हम लोग किधर की ओर आगे बढ़ेंगे भाई, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट के बारे में। अच्छा उससे पहले एक थोड़ा सा लिमिटेशन भी इसका देख लेंगे कि हेलोजन फैमिली में भी ये काम किया था, ये चीज क्या किया था, हेलोजन फैमिली में भी वर्क किया था, ये कहाँ पे काम किया था भाई, तो क्लोरीन आयोडीन के लिए काम किया था, ठीक है, तो आंसर ये आ रहा था। अब ये 80 होता है लेकिन अप्रोक्स इतना आया था 81.2, लेकिन यदि हम लोग लिमिटेशन देखेंगे तो क्या बोलता है कि ये फेल हो गया था ऑल द देन नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो आगे आने लगे एलिमेंट्स वो जो थे वो धीरे धीरे इसमें फेल होने लग गए। अब एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यदि हम इसी को बात करते हैं तो इसी में फिर नहीं होगा, हम एग्जांपल के तौर पे नोट्स पे पिछले क्लास में लिखवाए हुए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये नहीं करेगी, ठीक है, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किधर की ओर, अपने नेक्स्ट ट्रेड मतलब नेक्स्ट जो है उसके तरफ, जिसका क्या नाम है, क्या नाम है बताइए जल्दी से, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये क्या बोला था, ये थोड़ा सा हमको लगता है संगीत का कुछ ज्यादा ही प्रेमी था, इसीलिए इसने जो अपने म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, 7 सुर जो होते हैं उसको लेकर के काम किया था, जैसे कि हिंदी जो है हमारे तरफ जो है वेस्टर्न का तो अलग है लेकिन उधर भी टोटल 7 ही, तो जैसे कहा जाता है ना कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती है, खैर उसी ठीक उसी प्रकार से उधर भी 7 नोट ही है और उसी से उन्होंने किया था, ठीक है। तो अपने को तो क्या पढ़ना है, हम लोग तो सारे गामा पाधानी पे ही विश्वास करते हैं, ठीक है, सारे गामा पाधानी और देन नेक्स्ट वाला जो है वो वाला फिर से सा हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि यदि हम बात करें इनके अनुसार क्या था कि एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, कि इन्होंने क्या बोला था कि यदि हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यदि हम लोग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो उसका 8th वाला जो एलिमेंट रहेगा, 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच करता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनियर ट्रेड, सॉरी
दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसी को क्या बोलेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे कि ये 700 रुपए था, हम लोग बात किए थे ये सा, ठीक है, रे गा, ठीक है, म, ठीक, प, ध, नी, और फिर तो एट्थ वाला जो सुर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सा, विच इज इक्वल टू किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा इससे, यानी कि हम लोग जब सेवन जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज करेंगे और आठवां एलिमेंट्स को जस्ट इससे नीचे डालेंगे तो ये वाला जो है सारा प्रॉपर्टी मैच करेगा, ठीक है, ये वाला जो है सारा प्रॉपर्टी मैच करेगा, ये वाला सारा प्रॉपर्टी मैच करेगा, ये वाला सारा प्रॉपर्टी जो है मैच करेगा, ये सारा प्रॉपर्टी मैच करेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो इस बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इतने सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो केवल 20 तक, यानी कि अब तो कैल्शियम तक ही ये देखा गया है, ध्यान में रखेंगे ये। अब आपके चंद बुक में तो ये दिया हुआ है, इतना दूर तक ले गया है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज कहाँ तक मैच करता हुआ नजर आ रहा था, कैल्शियम तक, ठीक है, कहाँ तक नजर आ रहा था, कैल्शियम तक। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको भी हम समझा देते हैं, जैसे ये देखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, तो इसका तो प्रॉपर्टी मिलता भी है थोड़ा सा, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना भी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, इसका ये दो प्रॉपर्टी शो कर देता है हाइड्रोजन, किसके किसके तरह, एक तो हैलोजन की तरह, हैलोजन किसको कहते हैं, तो ग्रुप 17 को, ठीक है, 17 वाले का क्या रहता है भाई, इसमें कौन कौन से रहते हैं, इसमें रहते हैं आपका फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, लेकिन फिलहाल इतना ही हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसका क्या प्रॉपर्टी रहता है, तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि ये क्या कंप्लीट कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट, कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट, ठीक, ये सारा 17 वाला। और यदि हम बात करें ग्रुप 1 यानी कि हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, सॉरी हैलोजन बोल रहे हैं हम, अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अल्कली मेटल्स। सेकेंड वाला क्या है, अल्कली मेटल्स, ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, और एक बात अभी हम आपको बताते हैं कि 10 मिनट के बाद, ठीक है, 10 मिनट के बाद ये क्लास अपने आप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट्स का ही इसका टाइमिंग रहता है। देन आफ्टर हम फिर से आपको जो है, ठीक है, 10 मिनट के बाद हम फिर से ग्रुप में लिंक भेजेंगे, तुरंत फिर से ज्वाइन करना, ठीक है, हमारा टाइम बचा हुआ रहेगा, तो पहले ही बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या है, ये हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लेने पे ऑक्टेट जाएगा, वैसा ही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यदि ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक ऑक्टेट, हाइड्रोजन डबलेट कंप्लीट करता है और स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। और अल्कली मेटल्स क्या है, तो अल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, अभी बताए हैं सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, इसका सोडियम का कितना होता है, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, Na+ एंड विच इज 2 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट। और हाइड्रोजन भी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या शो करता है, पॉजिटिव आयन, और हाइड्रोजन भी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 1+ आयन को शो करता है, तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी बोथ हैलोजन और अल्कली मेटल्स की तरह इस्तेमाल होता है, इसीलिए मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिथियम सोडियम पोटासियम ये तो जान ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेम अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम मॉडर्न की तरह है, बेरियम एल्युमिनियम मॉडर्न की तरह है, कार्बन सिलिकॉन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो भी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमियम, तो क्रोमियम कितना ये आ जा रहा है आपका, ये अभी जो है बेरियम सॉरी बोरोन और एल्युमिनियम किस फैमिली में है, तो बोरोन और एल्युमिनियम जो है आपका 13th में है, ग्रुप 13th में, लेकिन क्रोमियम आपका किस में आ जाता है, और ये पी ब्लॉक में आता है, ठीक है, पी ब्लॉक में, लेकिन क्रोमियम आपका किस में आता है, तो क्रोमियम आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट में आता है, तो दोनों का प्रॉपर्टी ही एकदम डिफरेंट हो गया है अभी के अनुसार, मॉडर्न पीरियोडिक के अनुसार, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी
इसके अनुसार यहाँ पे उसको रखा था, ये भी गलत हो गया था। मतलब अप टू कार्बन ही ये प्रॉपर्टी हम लोग देख पा रहे थे। बात समझ में आई क्या? चलिए बताइए अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट कौन सा है? लॉथरमेयर है। लॉथरमेयर हम पढ़ा दिए थे, लेकिन लॉथरमेयर अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस नहीं, ठीक है। वो मेरे पास भी उस दिन बुक नहीं था, तो वो हम 11th के बेसिस पे पढ़ा दिए थे लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन। हालांकि लॉथरमेयर में कुछ नहीं है, तुरंत हम फटाक से रिविजन करवा देते हैं, ठीक है। क्या है लॉथरमेयर में भाई? लॉथरमेयर जो है एक पहला मतलब कि था क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें कि पूरा एलिमेंट्स को जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखा गया था, यानी कि पूरा का पूरा लॉथरमेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे था। और वो जो अल्कली मेटल्स जितने भी थे, ठीक है, वो कहाँ रखे गए थे? मतलब कि जो हाँ अल्कली या अल्कलाइन एक तरह से कह सकते हैं, वो एक तरह से टॉप पे रखे गए थे। ट्रांजिशन मेटल कहाँ चले गए थे? वो डाउन पे चले गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट आपको जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। उसमें भी हैलोजन मेटल डाउन चलते समय आपका आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा था। इसका बहुत यूज इसीलिए नहीं हो पाया, इसका एप्लीकेशन इसीलिए नहीं हो पाया, क्योंकि ये छोटे स्तर तक तो समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में वो ग्राफिकल, ठीक है। और धीरे धीरे पहाड़ी इसका बड़ा भी होते जा रहा था और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बनते जा रहा था। तो प्रॉब्लम ये आया कि इसका प्रैक्टिकल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था, ठीक है। समझ तो गए थे, चलो ठीक है, ये चीज़ समझा जा सकता है। और दूसरा बात, ये जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आया था, एटॉमिक वॉल्यूम, वो देखिए आपके नोट्स में है बताए हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरा ले लें तो फिर ग्राफ भी दूसरा आ जाएगा। प्रॉब्लम ये भी था, तो अब कितने सारे ग्राफ को हम भाई ध्यान में रखेंगे? तो ये प्रैक्टिकल जो है वो यूजफुल नहीं था। हाँ, लेकिन पहला आपका ये था क्लासिफिकेशन था जो ग्राफिकल बेसिस पे था, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम लोग इतना ही तक देखे थे ना पिछले क्लास में? लेबोजियर क्लासिफिकेशन क्या था जी, बताओ लेबोजियर क्लासिफिकेशन कौन बताएगा? सर, ही अरेंज एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, ये क्या किया था? ये भी तुम्हारे में शायद नहीं है, दिया हुआ तो नहीं नजर आ रहा हमको, ठीक है। तो वो क्या किया था, वो भी बेचारा जो है उसने क्या किया था, हाँ, अरेंज किया था मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। किसमें किया था? मेटल्स एंड नॉन मेटल में। तो उसका भी क्या था उसका? अच्छा ये बताओ, उसका ये क्या था, लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन कौन सर, उसने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में स्टोरी ऑफ मेटलॉइड्स क्या क्या वो कॉइनेज मेटल्स और रिएक्टिविटी मेटल्स को सामने नहीं नहीं कोई एक बोलो, ये सोहम बताओ, सोहम बताओ। सर, उसने दिस मेटलॉइड्स की डिस्कवरी को प्रेडिक्ट करने में फेल चला गया, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स वाजंट मेंशन। केवल वो ये बता दिया कि मेटल नॉन मेटल चलो है, उसे रिएक्टिविटी के बारे में नहीं बताया। फिर मेटलॉइड नाम का भी कोई चीज होता है उसके बारे में नहीं बताया। तो ये सब उसका जो था एक तरह से ड्रॉबैक था। वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, हालांकि पूरा हिस्ट्री बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव, यदि हम IIT या फिर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। तो आगे लेकिन जानना थोड़ा जरूरी भी रहता है, तभी हमारा अटैचमेंट इससे हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये चीज जो था वो कहाँ तक केवल काम करता रहा, ये केवल काम करता रहा कैल्शियम तक, ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये चीज जो है वो चेंजेज आने लगा उसमें, यानी कि प्रॉपर्टीज नहीं मैच आने लगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपके ही यहाँ पे पॉइंट में एक मेंशन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि कैल्शियम ओनली, ठीक है, एलिमेंट सब टू कैल्शियम ओनली, आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आया? वो जो उतना बनाया हुआ तो है, लेकिन प्रॉपर्टी वो उसने दिखाया था, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ तक केवल मैच कर रहा था, केवल और केवल कहाँ तक बोलेंगे, कैल्शियम तक, कैल्शियम तक। हाँ, तो ये एक तरह से इसका जो ड्रॉबैक है वो है लिमिटेशन, लिमिटेशन ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि उस समय तक एज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट, हम ये मेंशन पिछले क्लास में नहीं करवाए थे क्योंकि अपने को इस क्लास में बताना था, 56 एलिमेंट ही उस समय नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था। तो कोई अगला डिस्कवरी के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया था,
ठीक है, तो ये भी एक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का लिमिटेशन आया। उसके बाद क्या आया कि दो एलिमेंट्स टुगेदर इन स्लॉट, ठीक है, मतलब कि एक तरह से क्या उन्होंने बोला था, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिज टेबल न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन अ कैल्शियम ऑफ अनलाइक सॉरी कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि दो एलिमेंट्स को भी सेम टेबल में डाल दिया था, ठीक है, और उनका प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट निकला था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो एलिमेंट्स कौन कौन से, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, उन्होंने एक साथ रख दिया, एक स्लॉट में रखा, ठीक है, कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में रखा, ठीक है, लेकिन एंड ए टू इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट लाइक क्लोरीन और क्लोरीन को क्या रखा अलग, जो है उस तरीके से आप सॉरी दैट टू इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन विच इज वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, मतलब इन्हीं के साथ इसको भी रखा था लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो है एकदम डिफरेंट शो कर रहा था, ठीक है। चौथा क्या, आयरन एलिमेंट रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द दिस एलिमेंट्स, मतलब जिसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा था उसको रख दिए दूर और जिसका प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था उसको रख दिए पास, ठीक है। उसके बाद क्या था कि डोबेनियस स्टेट एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। खैर उतना ज्यादा ये बात नहीं है, बस अपने लिए यही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग कल जो है ना अगले क्लास में मेंडलिब्स को चालू करेंगे, ठीक है, हम लोग कोई हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से मेंडलिब्स करेंगे कल के क्लास में, और उसके बाद प्रेजेंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, हम चाहें तो तुरंत इसको खत्म कर सकते हैं लेकिन हम भी टाइम ले रहे हैं और आपको भी टाइम दे रहे हैं। विजय सकपाल, ये आपने जो लिखा है स्क्रीन पे उसको मिटा दीजिए, ठीक है, हाँ जो लिखेगा स्क्रीन पे आप भी लिख सकते हैं लेकिन जैसे ही आप लिखिएगा ड्रॉ कीजिएगा तो आपका भी नाम यहाँ पे आएगा, ठीक। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, पुराना रिविजन क्लास, पुराना रिविजन लेक्चर के तौर पर, ठीक है, और कल जो है फिर आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा आप भी रीडिंग लगाइएगा, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स को निकालने का कोशिश कीजिएगा, खुद से जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या अब हम लेक्चर को यहाँ पर, हाँ जी, सबको नजर आ रहा है क्या, हम शेयर करना बंद कर दिए स्क्रीन और लेक्चर हम खत्म करते हैं यहीं पे आज का, ठीक है। हेलो, किसी को